सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस आज मैं कुछ इस तरीके का वीडियो एडिट करने वाला हूँ। आज कुछ नया सीखने को मिलने वाला है गाइस। तो हमारे वीडियो बने रहना, वीडियो को मिस मत करना। अगर आप न्यू हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो और साथ ही इस घंटे को प्रेस करना ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए लेट्स गो। तो गाइस चलते हैं पिक्सार की तरफ और पिक्सार को कर लेते हैं ऑन। तो पिक्सार ऑन करने के बाद गाइस क्या करना है आपको बता रहा हूँ। आपको पिक्सार ओपन करने के बाद आपको इस प्लस का आइकन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अपनी फाइल में चले जाना है। तो चलते हैं अपनी फाइल में। अपने फाइल में आ जाने के बाद अपनी रियली बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर लेनी है पिक्सार में, ठीक है। तो मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और डाउनलोड करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी नहीं करो, लाइक भी कर देना, ठीक है। चलो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपना फोटो को ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए करना है आपको जाना ऐड फोटो में और चलते हैं फाइल में। और फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी फोटो ले लेनी है और ये ले लेनी है और ये ले लेनी है, ठीक है। तीन सेट यहाँ पर हमको करना है, ठीक है। कुछ कैसे करना और कैसे नहीं करना तो आप देखते रहना मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको इस फेस को यहाँ पे सीधा कर देनी है कुछ इस तरीके से, थोड़ा बड़ा कर देना, ठीक है। आपको ये वाली सेट कुछ अच्छे से करना होगा, तो यहाँ से कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से सेट और कुछ थोड़ा कुछ इस तरीके से कर देनी है थोड़ा फेस के ऊपर और ये वाली को हल्का सा इधर कर देंगे, ठीक है गाइस। और क्या करेंगे फिर अभी वाली जो हैंड है हैंड को उठा लेंगे। ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत सिंपल है। अब फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा लगेगा, जब कर लोगे तो आपको पता चलेगा कितना सिंपल था, ठीक है। यहाँ से मैं कर लेता हूँ उसको सेट। तो वैसे अब देख सकते हो कि हमारा सारा चीज़ यहाँ पे सेट हो चुका है, बट थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या है थोड़ा तीखा लग रहा है फेस। इसको मैं यहाँ से सेट कर लूँगा और ये वाली सॉरी गाइस, मैं इसको यहाँ से कम्प्लीट कर लेता हूँ पहले, तो देख सकते हो। उसके बाद सेट करूँगा, देख लेते हैं क्या रिजल्ट मिल रहा है। तो वैसे ऐसे ही आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको पता चले कितना क्या करना है और क्या नहीं, ठीक है। तो मैं फिर से थोड़ा फेस को बड़ा कर लेता हूँ गाइस, फेस को मैं सेट कर लेता हूँ, थोड़ा फेस को बड़ा कर लिया यहाँ पे। थोड़ा गाइस सेट करने में टाइम लगेगा बट सेट कर लेना अच्छे से, मैं यहाँ बता रहा हूँ। यहाँ पे कर लेता हूँ सेट और सेट करने के बाद गाइस क्या करना है आपको ये वाली हैंड को कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। तो हमारा अच्छे तरीके से सेट हो गया, तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद गाइस क्या करना है आपको जाना है यहाँ टूल्स में, और टूल्स में जाने के बाद आपको क्रॉप में जाना है। यहाँ से कर लेंगे फोटो को क्रॉप, यहाँ से कर लेते हैं क्रॉप। क्रॉप करने के बाद गाइस आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है, सेटअप लग रहा है कि पेंटिंग हो रहा है। और क्या करना है आपको जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद गाइस क्या करना है आपको यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट करना है, ठीक है। यहाँ पे इफेक्ट्स में जाएंगे, ठीक है। और चलते हैं लास्ट में आपको ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट भी लग गया। और यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे इरेजर पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से फेस को हल्का पेंट करेंगे, ठीक है। फेस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं और इसको साइज को छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं पेंट, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हो यहाँ अच्छे तरीके से यहाँ जो है फेस पे ब्लैक एंड वाइट कलर हो चुका है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद जैसे क्या करना है आपको यहाँ पे कुछ लेंस लगाना है, ठीक है। तो चलते हैं ऐड फोटो में और कर लेते हैं लेंस ले लेते हैं। तो चलते हैं अपनी फाइल में और फाइल में जाने के बाद आपको ये दो लेंस ऐड कर लेनी है अपनी फोटो के अंदर। तो कर लेते हैं ऐड और यहाँ से उसको यहाँ पे आइज पे सेट करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना जाना ब्रांडिंग मोड में और यहाँ से कर लेंगे स्क्रीन, और स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा फोटो को जूम करके यहाँ पे सेट कर देनी है। और जूम कर लेंगे
थोड़ा इसको यहाँ पे कर लेंगे सेट। और सेट करने के बाद क्या करना है आपको रेजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे फालतू कट कर देनी है। तो यहाँ से कर लेते हैं कट राइट, वैसे आप देख सकते हो और अच्छे सेट हो गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे थोड़ा जाएंगे ऑपोसिटी पे और थोड़ा कम कर देंगे ऑपोसिटी को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको कम करना है, देख सकते हो ऐसे आपको कितना रखना है 45 रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला आपको फिर से है ना आपको यहाँ पे चलते हैं ब्रांडिंग मोड में और कर लेते हैं स्क्रीन, और स्क्रीन करने के बाद फोटो को जूम कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट कर देनी है, यहाँ से कर लेते हैं सेट। और क्या करना है आपको यहाँ पे जाना है इधर पे और यहाँ से कर लेंगे कट। यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेते हैं। तो क्या करना है आपको यहाँ पे जाना है ऑपोसिटी पे और यहाँ पे ऑपोसिटी को कम कर लेंगे 45 कर लेते हैं। तो हो गया हमारा 45। तो वैसे जैसे भी कितना बेहतरीन लग रहा है, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद क्या क्या करना है आपको थोड़ा शैडो बनाना है। चलते हैं ड्रा टूल में, ड्रा टूल में जाने के बाद आपको ब्रश पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे ऑपोसिटी को बहुत कम रखना है, ठीक है। और साइज को इतना छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे साइज को छोटा कर लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा शैडो बना लेते हैं, ठीक है। तो शैडो बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो वैसे हमारा साइडो बन चुका है, यहाँ से ऑपोसिटी को कम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। आपको कम कर लेनी है, उसे क्या करना है आपको फिर से एक लेयर बनाना है एंटी लेयर। उसके बाद आपको उस पर क्लिक कर हटा देनी है और आपको जूम करना है फोटो को, थोड़ा आपको एक ब्रश पे क्लिक करना है, साइज को थोड़ा बड़ा कर लेना है, यहाँ पे मार लेते हैं परफेक्ट। तो कुछ इस तरीके से आपको मार लेनी है गाइस। साइडो से लगता है यहाँ पर रियल फोटो एडिट एकदम मस्त वाली लगती है, ठीक है। आप देख सकते हो कितना बेहतरीन लग रहा है, आपको पता चल रहा होगा। ओके करना थोड़ा थोड़ा आपको स्टील बॉडी पे यहाँ पे ये वाली हैंड को लेकर यहाँ पे मार देंगे, कुछ इस तरीके से आपको करना है गाइस। बस यही छोटा छोटा पार्ट आपको देख के करना है। तो यहाँ से थोड़ा ऑपोसिटी को कम कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से आपको रखना है गाइस, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हैं हमारा अच्छे तरीके से काम हो चुका है। तो चलते हैं लाइटिंग की तरफ। तो यहाँ पे कर लेते हैं सेव, तीन डॉट पे क्लिक करना है। तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको सेव इमेज पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेनी है, ठीक है। तो चलते हैं लाइटिंग की तरफ। तो वैसे यहाँ फोटो आ चुका है, तो यहाँ से कर लेते हैं फोटो को शेयर लाइटरूम में। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेते हैं और चलते हैं लाइटरूम में, तो शेयर कर लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे लाइटरूम में फोटो ऐड हो चुका है, तो चलते हैं लाइटरूम में। तो यहाँ से अपने मिनिमाइज़ कर लेते हैं और यहाँ से चलते हैं लाइटरूम में। तो यहाँ पे हमारा फोटो आ चुका है, तो यहाँ से अपने फोटो को कर लेते हैं ओपन। तो वैसे ओपन हमारा जो फोटो ओपन हो चुका है। और क्या करना है आपको यहाँ पर लाइट पर क्लिक करना है, और लाइट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा यहाँ पे लाइट को अपना कम कर देनी है, ठीक है। और मैं साइडों में यहाँ पे देख लेंगे कि क्या साइडों वहाँ पर चाहिए या नहीं चाहिए, थोड़ा साइडों यहाँ पर चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे व्हाइट बैलेंस है, तो व्हाइट बैलेंस आपको यहाँ पे कम रखनी है और थोड़ा ब्लैक पे यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है किसी तरीके से। और चलते हैं कलर में, कलर सेटिंग करने के लिए आपको मिक्स पे क्लिक करना है। मिक्स पे क्लिक करने के लिए आपको यहाँ यू को थोड़ा यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। क्या करना थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम कर देनी है, ठीक है। और लुमिनस आपको यहाँ पे कम कर देनी है, ठीक है। क्या करना आपको जाना ब्लू टोन पे, यहाँ पे हल्का सा मैं इसको यू को थोड़ा बढ़ा दूंगा, कम कर दूंगा, थोड़ा सैचुरेशन को यहाँ पे बढ़ा दूंगा, लुमिनस को थोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ लुमिनस को थोड़ा बढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको येलो टोन पे क्लिक करना है, थोड़ा आपका यू को थोड़ा देख लेना, यू में बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे सैचुरेशन को थोड़ा सा मैं बढ़ा लूँगा, ठीक है। और ये लुमिनस को भी थोड़ा बढ़ा लूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस पर क्लिक करना है ऑरेंज से, थोड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं ये वाली इफेक्ट दूंगा, ठीक है। और थोड़ा मैं सैचुरेशन को कम कर दिया हूँ, थोड़ा लुमिनस को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो, ठीक है। मैं बढ़ा लिया हूँ, यहाँ से कर लेते हैं डन। और डन करने के बाद थोड़ा सैचुरेशन को आपको यहाँ पे थोड़ी सी आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पे लुमिनस यहाँ पे वाइब्रेंस को आपको यहाँ पे सॉरी वाइब्रेंस को थोड़ा बढ़ा देनी है, ठीक है। और चलते हैं इससे, और इसके के जाने के बाद आपको थोड़ा क्लैरिटी को बढ़ा लेनी है, ठीक है। इस तरह पर क्लैरिटी बढ़ा लिया, अब थोड़ा वाइब्रेंस वाइब्रेट को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना वाइब्रेट को कम किया गया, ठीक है। क्या करना आपको इस पर जाना है, उसके बाद थोड़ा अपना यहाँ शार्पनेस को थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, ताकि मैं फोटो जो साफ दिखे क्लीन दिखे। उसके बाद फेस स्मूथ हल्का कर लेते हैं, तो यहाँ पे नॉइस पे कर लेते हैं, उसके बाद कलर नॉइस पे भी कलर बढ़ा लेते हैं। तो वैसे हमारा जो फोटो अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है, देख सकते हो। और यहाँ पे फोटो को सेव करने के लिए तीन डॉट पे क्लिक करना है, तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद सेव टू डिवाइस पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेनी है। तो आशा करते हैं गाइस आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, तो गाइस अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ गाइस। ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।